हेलो बच्चों हेलो बेटा हेलो बच्चों आ सारे बेटा सो यू यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे बेटा गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऑडिबिलिटी, विजिबिलिटी सब क्लियर है एक बार हमें थम दिखा दो चलो ठीक है गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग शुभ संध्या श्री अकाल चले बेटा चलो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास पर आप लगातार कह रहे हैं कि सराउंड रिपब्लिक डे समथिंग स्पेशल तो मैं खाली एक चीज कहूंगा कि हर पर्सन अपनी अपनी जगह रह के अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है जो जो पर्सन जिस जगह पे है बेटा वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है तो आप भी बस यही कोशिश करिए कि आप जहां हैं वहां बेहतर करिए जिस तरह सीमाओं पे तैनात सोल्जर हर वक्त कहता है कि सरफरशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है बस बिल्कुल वैसे ही आपको हर वक्त अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट करते रहना है कि दिस इज़ अ ट्रू फाइट ऑफ़ योर लाइफ यू आर अ मेडिकल एस्परेंट यू आर अ नीट एस्परेंट तो आपको जितनी भी आपकी स्किल्स हैं जितने भी आपका हुनर है जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं सबको अच्छे से एकोमलेट करके और सबको सेम डायरेक्शन में लगा देना है पूरा अपना सौ परसेंट एफर्ट एक ही डायरेक्शन पर लगा दीजिए और हर वक्त मन में गाते रहिए गुनगुनाते रहिए खाना बदोस की तरह कुछ दिन जी लो और हमेशा कहते रहो कि सच में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में बींग स्टूडेंट दिस कॉमन कोर्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्टूडेंट्स मीन्स स्टूडेंट मतलब चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है बेटा आज का टॉपिक बड़ा शानदार है और उम्मीद है बेटा आपका बहुत सारा डेटा बच गया होगा तो आज हम लोग टाइमली कभी क्लास स्टार्ट करते हैं लगभग पाँच सौ पाँच तक चलेंगे हम लोग एक डेढ़ घंटे आने वाले एक डेढ़ घंटे के सफर में बच्चों हम लोग गॉस थ्योरम की स्टडी करेंगे गॉसियन थ्योरम पढ़ेंगे बच्चों सो वंस अगेन वॉर्म वेलकम हाँ बेटा हम सभी सोल्जर्स हैं हम अपनी अपनी लाइफ में एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो ईश्वर आपके जो जितने भी मोटिवेशनल uh, स्पीकर्स हैं या जो कभी जिनके पास भी ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज है वो भी यही कहते हैं कि हम सभी अपनी अपनी जिस किसी भी सरजमी पर हैं वहाँ के सोल्जर्स है है ना मम्मी लोग किचन की सोल्जर हैं पापा लोग वर्क फील्ड के सोल्जर्स हैं आर्मी का सोल्जर बॉर्डर्स का सोल्जर है है ना पुलिस एंड आर्मी पुलिस अपनी जगह का सोल्जर है मतलब पुलिस का जो टास्क है पुलिस स्टेशन का पीस बनाए रखने का वो अपनी जगह की सोल्जर है बिजनेस मैन बिजनेस के सोल्जर है मतलब जहाँ जो जिसका वर्क फील्ड है वो वहाँ का सोल्जर है बेटा है ना और डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स के कोविड के सोल्जर्स हैं बेटा सो यू

एक लंबे अरसे बाद इलेक्ट्रोस्ट्रेट टॉपिक हटा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिस्कशन चल रहे हैं हालांकि सच्चाई है कि अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह का इस्तेमाल लगातार करते रहेंगे लेकिन अब देखने का तौर तरीका नजरिया बदल जाएगा बेटा हम चैट नहीं पढ़ पा रहे बेटा हमें थोड़ा सा टॉपिक से भी इंगेज होना है बेटा चले स्टार्ट करें बेटा हम्म चलो आओ तो सबसे पहले आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातचीत करना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सेंस है वो है सपोज करो हमारे पास बच्चों नेचर के हिसाब से अगर मान लो मेरे पास एक कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज चार्ज पॉजिटिव टेस्ट तो किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास बच्चों थोड़ी देर के लिए चैट बॉक्स बंद कर दो बिल्कुल सीरियस होकर के काम पर आ जाओ सपोज करो हमारे पास एक कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है किसी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में स्पेस में जो उसका इफेक्ट है आ, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में महसूस करते हैं हमेशा कहते हैं जैसा सोर्स वैसा फील्ड अगर मैग्नेट जैसा सोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड मास जैसा सोर्स है तो ग्रेविटेशनल फील्ड और अगर चार्ज जैसा सोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ एरोस का इस्तेमाल करते हैं कुछ लाइन का इस्तेमाल करते हैं ये लाइन किसी टेस्ट चार्ज का पाथ होती है मतलब किसी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की सराउंडिंग में रखा गया नन्ना सा टेस्ट चार्ज जिस पाथ को ट्रेस करेगा जिस कर्व को ट्रेस करेगा वो कर्व इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति के, तो के सराउंडिंग में टेस्ट चार्ज की जो कर्व होते कहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बंच वाली संख्या को या नंबर ऑफ गुड नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक समझते चलना बहुत बेसिक आर्टिकल है आराम आराम समझाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दोनों कहते हैं सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू थ्रू का मतलब एंगेज होकर जाए पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया किसी चार्ज पार्टिकल से निकलने वाली समस्त लाइनें ये भी फ्लक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो लाइन स्ट्रेस की उनका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है और किसी निश्चित एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टन एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं बस समझते चलना बेटा

फ्लक्स का कैलकुलेशन करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बंच का गुच्छे का कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग फिर क्लासिकल तरीके का इस्तेमाल करेंगे ई निकालने का इस्तेमाल करेंगे जिसका जनरल फार्मूला अभी आप पढ़ेंगे आगे ई e ए थीटा हमने कहा बेटा हम टॉपिक का केवल ओवरव्यू दे रहे हैं राइट तो पढ़ने क्या वाले हैं फिलहाल के अभी तुरंत के तौर पर तुरंत हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे बेसिक बात समझ लीजिए चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रखी हैं

निश्चित इस, इस निश्चित एरिया से निकलने वाली मात्र सिलेक्टेड नंबर ऑफ लाइंस की स्टडी करना है तो हम फाइव इक्वल थीटा का इस्तेमाल अब क्रम से एक एक आर्टिकल समझते हैं फिर से चलते हैं बेसिक बेटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे कंप्लीट करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखेंगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने कहा ना बच्चों बिल्कुल ऑफलाइन मोड की तरह प्रिपेयर बैठो सामने मोबाइल रखा हाँ, हो हाथ में पेन कॉपी हो प्रॉपर नोट्स बनते चले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया सर्टन एरिया किसी अब एग्जाम्पल लेते फ्लक्स बनेगा कैसे हमने कहा किसी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन राइट समझते चलना किसी चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इस्तेमाल करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया आराम समझना इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अब दो तरीके हैं बेटा अगर हमें टोटल फ्लक्स का कैलकुलेशन करना टोटल टोटल फ्लक्स समझ लो बेटा गोस्थोरम आएगी कब टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड एसोसिएटेड विद अ चार्ज पार्टिकल विद चार्ज, या पॉइंट चार्ज चार्ज बॉडी इसके कैलकुलेशन के लिए अलग तरीका है और फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्टन एरिया इसका अलग तरीका है मैं बिल्कुल आपको क्लियरिफाई कर दू कि हम लोग के जो पढ़ने की मैथडोलॉजी है पढ़ने का जो तौर तरीका है उसमें सबसे पहली बात यह अरेंज होना चाहिए कि कब कब गॉस थ्योरम अप्लाई करना है गॉस थ्योरम जो आपका टाइटल चलने वाला है अभी थोड़ी देर में और कब कब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर फोकस करेंगे है दोनों सिमिलर बातें लेकिन उनके जैसी जरूरत वैसी चीजें इस्तेमाल करेंगे जैसे आप कर हम लोगों ने एक बात हमेशा डिस्कस करिए दो सर्फेसेस के कॉन्टेक्ट में होने से अगर उनमें रफनेस है तो फ्रिक्शन अवेलेबल होगा लेकिन फ्रिक्शन का अवेलेबल होना अलग बात है और फ्रिक्शन का एक्टिव होना काम करना अलग बात अवेलेबल कितना होगा वो कैलकुलेशन एफ एस मैक्स बराबर म्यू मल्टीप्लाई एन से करते हैं और काम कितना करेगा जितनी जरूरत उतना काम करेगा बिल्कुल उसी तरीके से किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई दे रही है आपको इन सबका जो कैलकुलेटेड बंच है गुच्छा है कहा किसी वाटर सोर्स से अगर पानी का गुच्छा निकल रहा है वाटर फ्लक्स कह सकते हैं हाइड्रो फ्लक्स कह सकते हैं अगर किसी हीट सोर्स से जो आ, कह सकते है, हैं थर्मल रेज हैं हीट जनरेट करने वाली रेज हैं अगर वो पंच के फॉर्म में निकल है उसे हम थर्मल फ्लक्स कह सकते हैं किसी किसी लाइट सोर्स से जो फोटॉन्स का बंच निकल रहा है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं बात समझ गए ना

दो तरीके बेटा दो तरीके हैं अगर हम किसी चार्ज बॉडी चार्ज बॉडी से सं, संबंधित टोटल फ्लक्स को देखना चाहते हैं तो हमारा फोकस हो जाएगा। फिर हम यहां कर दें। अगर ऐसा कुछ तो हम करेंगे किसी निश्चित एरिया से बात करना चाहते हो तो फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई कॉस ऑफ थी क्लासिकल इसको ऐसा कर दू बेटा ऐसा कह दे कि अगर टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद चार्ज कैलकुलेट करना अगर चार्ज पार्टिकल की मदद से कुछ पार्टिकल की मदद से कितनी लाइने निकलना यह देखना है तो गौरम पर फोकस करो और अगर किसी निश्चित एरिया से निकलने वाली कितनी लाइनें हैं ये चेक करना है तो फिर आप क्लासिकल मेथड फॉलो करोगे क्लासिकल क्लासिकल का मतलब गौ साहब के पहले भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जाता था लेकिन तरीका अलग था क्लासिकल मेथड बच्चों पहले इतनी बात क्लियर करो हम लोगों ने प्रोफेस बना ली बेटा हम बिल्कुल भूमिका बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं बेटा चलो चले अरे चैनल पर एक्टिव रहा करो बेटा कुछ नहीं बोला जाता क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी परेशान मत हुआ करो हमने आपसे हमेशा कहा है कि बिल्कुल एक्टिव रहिए अगर आप सिंसियर हैं तो आप चैनल पर एक्टिव रहेंगे मॉर्निंग की क्लास प्लान थी लेकिन वो बच्चों इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सेम टेन थर्टी पर आ, कह सकते हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पीक पे होता है ऑनलाइन कई जगह पर इस चीज की लाइव टेलीकास्टिंग चलती है सो so, इसलिए बच्चों उस पर्पज से ऑनलाइन क्लास बंद कर दी गई थी लेकिन अब क्लास का जो टाइम उस हिसाब से क्लास चल रही है होपफुली जो बच्चे लाइव है वो लाइव देख पाएंगे जो बाद में देख सकते हैं बाद में देख लेंगे टॉपिक नहीं छूटेगा पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि हमें अपना काम करते रहना ड्यूटी करते रहना बेटा हम सभी लोगों को तभी हम लाड़े की तरह पहुंच पाएंगे राइट इतनी बड़न बेटा किसी के मन में कोई डाउट बच्चों थम दिखाओ आगे बढ़ जाए थम दिखाओ बेटा बिल्कुल परेशान मत हो अभी कुछ मत सोचो कुछ भी मत सोचो सर फ्लक्स कैसे निकालेंगे क्या कैलकुलेशन के तरीके हैं बस खाली अभी डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा कि अगर टोटल फ्लक्स पर काम करना है तो थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा और अगर किसी निश्चित एरिया से फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्लासिकल तरीके का सहारा लेंगे अब पहले सीखेंगे क्लासिकल तरीका बेटा चले फ्लक्स क्या है वंच है किसका वंच है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बंच है अगर वंश लाइट की लाइट के छोटी छोटी रेस का हो या किसी बल्ब सोर्स से निकलने वाली लाइट रेस का वंच हो तो से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम देंगे अगर थर्मल वेव्स का फ्लक्स हो तो थर्मल वेव थर्मल फ्लक्स ना पानी का अगर गुच्छा निकले वाटर टैप को ऑन किया ढेर सारे वाटर की स्ट्रीम्स मान लो इकट्ठा आ रही अब पानी पानी जब टैप से निकलने वाली मोटी पानी की धार है यदि हम उसे छोटी छोटी या पतली पतली धार से मिला हुआ मान लें तो उसे आप वाटर फ्लक्स की संख्या दे सकते हैं हाइड्रोस्टेटिक फ्लक्स की संख्या दे सकते हैं वैसे चार्ज पार्टिकल से संदर्भ तमाम सारी लाइनों को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की संख्या देंगे बेटा विल कॉल इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा कोई समस्या पहले बताओ इतनी डन बेटा चलो ठीक है ये भी मान गए नवनीत कहते हैं कहते हैं आज जो है ठंभ की जगह पे आप फ्लैग भी दिखा सकते हैं जैसा आप चाहे बेटा चले इतनी बटन बेटा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज पार्टिकल के आसपास तमाम सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन का बंच होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे कैलकुलेट करने के दो तरीके टोटल फ्लक्स देखना है तो गॉस थ्योरम के पास जाना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल की मदद से चलना है तो गॉस थ्योरम की तरफ जाना पड़ेगा और अगर किसी निश्चित एरिया से आसपास बहुत सारा फ्लक्स है लेकिन हमें केवल इतने सेलेक्टेड एरिया से देखना है इस निश्चित एरिया से देखना है तो फिर हम लोग क्लासिकल तरीके का फॉलो करेंगे राइट? Right? हम पेज चेंज कर है बेटा, काउंटिंग करके एंड एक सीक्वेंस में सिखाते जा रहा है समझते चलो बेटा राइट सब चीज को समझते चलो सभी चीजों को आराम समझते चलिए बेटा तो पहले हम लोग पॉइंट ऐसे करके नाम देते दे। हैं तो ये पहला आर्टिकल था समझने के लिए नाउ कम टू द सेकंड नंबर आर्टिकल आराम से चलते जाओ सेकंड नंबर आर्टिकल सपोज करो बच्चों हमारे पास एक कोई जो जानते हो वहीं से और इनिशे, और कर रहे हैं सब को. हमारे पास सपोज करो मेरे पास एक कोई शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक प्लेन शीट है इसमें पूरी सरफेस में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो या फिर ठीक है प्लेन या शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ये रही आपकी तमाम सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस

अगर हमें ये आइडिया हो जाए कि यहां पर अवेलेबल चार्ज की मात्रा कितनी है अगर हमें क्यों का का हो हो जाए right? क्यों का हो जाए राइट और चार्ज पार्टिकल की असेंबली से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का आइडिया हो जाए राइट right? साथ ही साथ इस बात का भी आइडिया हो जाए कि ये लाइनें जिस पर्टिकुलर सेक्शन या जिस पर्टिकुलर एरिया से निकल रही वो एरिया कितना है इन सब चीजों का आइडिया हो जाए मतलब हमारे पास एक शीट चार्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर चार्ज कितना क्यों इसकी वजह से डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड उसके थोड़ा सा आगे गए तो हमें एक निश्चित क्रॉस सेक्शन एरिया मिला हमें इसी, इसी से पढ़ना है हमारे पास दो तरीके अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो दो तरीके आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपने कहा सर मैं टोटल फ्लक्स का अंदाजा लगाना है और किसी ने कहा नहीं सर हमें किसी निश्चित एरिया से निकलने वाले थोड़े से फ्लक्स का आइडिया लेना है हमने कहा भाई दोनों का जुगाड़ हमारे पास है देखते चलना कौन कौन सा जुगाड़ देखते चलना कौन कौन सा जुड़ आपने सर, अगर मैं टोटल अगर टोटल फ्लक्स का आइडिया निकालना होगा कि so, यहां से कितनी लाइनें निकल रही चाहे लाइनें इधर निकले चाहे लाइनें पीछे की तरफ निकले अगर टोटल फ्लक्स का आइडिया लगाना है तो टोटल फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का सिंपल सा फार्मूला वन बाई एपसाइल नॉट ऑफ टोटल चार्ज अभी बहुत बहुत रफली समझा रहे बेटा वन बाई एपसाइल नॉट ऑफ टोटल चार्ज जब चार्ज पे फोकस करोगे तो टोटल फ्लक्स का आइडिया मिल जाएगा मतलब अगर आपका फोकस टोटल चार्ज पर है तो आपको टोटल फ्लक्स का आइडिया मिलेगा तो right? फिर मैं कह रहा हूं बेटा अभी हम खाली ये क्लेरिफिकेशन करते चल रहे जरा सा कि फ्लक्स तक पहुंचोगे कैसे नेक्स्ट आ जाओ बेटा आपने कहा नहीं हमें केवल इतने एरिया से निकलने वाली लाइनों पर ध्यान देना है बाकी कौन इधर जा रही कौन इधर जा रही कौन इधर जा रही कोई मतलब नहीं हमने कहा अगर सबसे मतलब है तो गोस्थोरम का सहारा लो और फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका वन बाई एपसाइलेंट नॉट ऑफ टोटल चार्ज

न बाई एप साइल नोट ऑफ टोटल चार्ज भी सही है और फाइव बराबर क्लियर है बोलो भाई दर अब जरा सुनो अब हम पूरा फोकस करेंगे बेटा क्लासिकल मेथड पर इसे नोट करने की विशेष आवश्यकता नहीं बस हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा समझते चलना हम इस, इस भूमिका पर फिर वापस आएंगे अब आओ, अब जो हेडिंग बनेगी जो टाइटल बनेगा नोट मत करना बेटा पहले समझ लो अब आते तीन नंबर पर जिस पर हम प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज क्लासिकल मैथड क्लासिकल मैथड ऑफ फ्लक्स कैलकुलेशन सवाल इस पर बनेगा बेटा और बल्कि इस पर खूब खुल के सवाल बनता है क्लासिकल मैथड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन क्लासिकल मैथड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन क्लासिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन का क्लासिकल मेथड राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन का क्लासिकल मेथड सीखे जरा कैसे समझते चलना है ना सपोज करो बेटा सपोज करो ये कोई चार्ज बॉडी का सोर्स है ऐसा ये चार्ज बॉडी का सोर्स है और यहां से ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है सपोज करो कुछ ऐसी एक रैंडम शेप मान लेते ऐसा और यहां कोई हमारे पास लेक्टेड क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब कोई निश्चित क्षेत्रफल है ऐसा क्षेत्रफल है हमें यह कैलकुलेट करना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को बाईपास करके जा रही राइट थोड़ा सा डायग्राम और कर देते हैं बेटा कि सपोज करो सपोज करो मैं आपसे पूछूं एक जनरल बात पूछ रहा हूं बेटा कि क्लासिकल मेथड में फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए सपोज करो हमारे पास ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और रास्ते में पड़ने वाला ये एक सिलेक्टेड एरिया राइट कहती बात क्लियर है बेटा हम मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हैं क्लासिकल मेथड और क्लासिकल मेथड का पहले ही फार्मूला देखते चल रहा तो क्लासिकल मेथड का फार्मूला फाइव E इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए एरिया और कॉस थीटा में थीटा ओरिएंटेशन है एंगल है क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा अब चलते रहो चलते रहोन शांत रहो भाई चैट बॉक्स के लिए बंद कर दो बेटा चल बेटा प्लीज बच्चों तो चैट बंद कर दो नहीं फिर हम डाइवर्ट हो रहे हैं बेटा फिर नहीं अच्छा लग रहा फिर पढ़ाएं तो भाई शांति से मैं तो हम क्लासिकल मेथड मतलब फ्लक्स के कैलकुलेशन के एक तरीके पर फोकस कर रहे हैं फ्लक्स के कैलकुलेशन का तरीका फाइव बराबर ई ए कॉस्थाई इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी ए एरिया है थीटा में थीटा एंगल है ओरिएंटेशन है समझने के लिए क्या है सपोज करो हमारे पास एक निश्चित एरिया हम क्लियरिफिकेशन बता दें कि फ्लक्स जिन तीन प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है कैसे डिपेंडेंट है केवल समझा सकते हैं बार बार दिखाएंगे नहीं बेटा बेटा फॉर सपोज करो ये आपकी कोई एक इलेक्ट्रिक है या किसी एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है अच्छा बच्चों एक छोटी सी बात हमेशा की तरह आपको करवा दू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों के जो बीच का गैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है अगर गैप यूनिफॉर्म है गैप यूनिफॉर्म है तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है

पहली बात हमें बात क्लियर करते चल रहे हैं फॉर्मूले में वही लोग आते हैं जिनका रोल होता है राइट आगे चले बेटा इतनी ठीक है तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लाइनों के बीच की स्पेसिंग या सेपरेशन कम ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन पहले वाले एरिया में वन टू थ्री फोर फाइव यहां फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फाइव और दूसरे वाले एरिया में वन टू थ्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर थ्री मतलब इस बार किसमें डिपेंडेंसी आपने कहा सुनिए अगर एरिया सेम लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंडेंसी है जहां इंटेंसिटी ज्यादा ज्यादा जहां जहां पैकिंग डेंसिटी ज्यादा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की संख्या या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा आएगा जहां पैकिंग कमजोर है जहां फील्ड कमजोर है जहां लाइनों में घनापन कम है वहां फ्लक्स कमजोर आएगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंसी पहले एरिया पे चेक करी कि एरिया बड़ा होगा तो फ्लक्स का कवरेज ज्यादा होगा आप चेक करते जा रहे हैं अगर इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो भी फ्लक्स का कवरेज ज्यादा होगा सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग फ्लक्स ज्यादा इंटेंसिटी right? कमजोर फ्लक्स कमजोर एरिया कम फ्लक्स कम एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा राइट अब आपको एक बात याद होगी एक बात याद होगी बेटा हम बता दें क्या याद होगी आपको याद होगा कि फॉर्मूले में वही रोल आता है या वही फिजिकल क्वांटिटी पार्टिसिपेट करती है जिन पर किसी की डिपेंडेंसी होती तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ निश्चित एरिया किस किस बात पर डिपेंड करता है आपने कहा दो बातों पर कंफर्म डिपेंड करता है एक डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा घनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी संख्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की उतनी ज्यादा होगी दूसरी बात दूसरी बात डिपेंडेंसी इस बात पर भी है कि एरिया छोटा है तो लाइनें कम पास होगी फ्लक्स कम होगा एरिया बड़ा है तो लाइनें ज्यादा पास होगी फ्लक्स ज्यादा होगा

नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब एक स्पेशल वर्ड लिखने जा रहा हूं बेटा इसमें लिखूंगा मैं पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू किसी निश्चित जगह से गुजरने वाला तो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सपोज करो हमारे पास कई सारे एरिया जैसे ये एरिया नंबर वन आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है ये एरिया आपने ऐसे सेलेक्ट किया कि पांचों लाइन ऐसे गुजर रही हमने कहा थोड़ा सा थोड़ा सा यही एरिया रखो थोड़ा स्लेंट करो थोड़ा टेढ़ा करो आपने कहा सर ये लाइन मिस होने वाली थी बस बच गई थोड़ा और आपने जैसे इसको थोड़ा और स्लेंट किया सॉरी आपने जैसे इसको थोड़ा सा और स्लेंट किया एरिया तो वही है एरिया तो वही लेकिन आपकी बार ये लाइन मिस हो गई

राइट right? इतनी बात ठीक है बेटा अब जरा देखो एक छोटी सी बात अभी के लिए सीख लो कि जब भी हम कभी एरिया की बात करेंगे तो एरिया बेटा यूज के हिसाब से स्केलर क्वांटिटी भी है वेक्टर क्वांटिटी भी है मतलब एरिया में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल होता है जैसे स्क्वायर शेप की बात करें तो स्क्वायर शेप में जो एरिया है वो इतना घेरा है इसके डायरेक्शन की बात करें तो एरिया को

अब चलना आपने कहा सर एक बात अभी हम लोगों ने और डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो रिजल्ट आया उसका नाम है e cos आपको याद वेक्टर में दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं और में अगर A B तो आंसर आएगा ए बी थीटा तो बच्चों डॉट बी को अगर हम ए डॉट बी को ए बी थीटा लिख सकते हैं ए डॉट बी को ए बी थीटा तो क्या ए बी थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं आई रिपीट बेटा मैं फिर से कह रहा हूं बेटा अगर a.b को ab cos थीटा तो क्या ab cos थीटा को हम a वेक्टर b वेक्टर लिख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही क्या e cos थीटा को e वेक्टर a वेक्टर लिख सकते हैं तो उसको लिखो e वेक्टर a वेक्टर ये बातें हम इतनी इतनी ड्रामेटिक बातें इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से घुमा घुमा के ला रहे हैं ताकि आप सारे पॉइंट्स को इक्वल ही कर सको मीनिंग समझिए इंपॉर्टेंस समझिए सेंटेंस की वर्ड समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों के डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होता है डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो आएगा पहले का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वाई थीटा बच्चों एक एक बात एक एक बात ओपन करके देखी जाए ध्यान समझिएगा हमको समझा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिसाइड करने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लस को डिसाइड करने में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया और दोनों के बीच का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंस रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एरो पर फोकस करते हैं एरिया की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम एरिया वेक्टर पर फोकस करेंगे एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरिया का मैग्नीट्यूड भी होगा एरिया की डायरेक्शन भी होगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एरिया परपेंडिकुलर राइट खूब अच्छे से समझ लो बेटा अब जरा समझिए हम दिखाना है चाहते हैं दिखाना है चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन व्हाइट कलर की और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये रहा हमारा एरिया वेक्टर एक एक बात मैच करते चलो पहले केस में रेड कलर वाला जो लाइन ध्यान से देखिए एरिया के परपेंडिकुलर होगा एरिया के, के वेक्टर। के, के के, के अब एक एक करके सारे थीटा कंपेयर करो तो पहले केस में कोई थीटा नहीं है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है दूसरे केस में थोड़ा सा थीटा आया तीसरे केस में थीटा और थोड़ा बढ़ गया थीटा चेंज हो गया क्या इंपॉर्टेंस समझ पा रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंस समझते जा रहे हैं अब जरा सुनो अब जरा सुनो जरा सुनो एक एक बात हम क्लियर कर दें बेटा हम डिस्कशन किसका कर रहे हैं हम क्लासिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन पर फोकस कर रहे हैं समराइज कर दें ताकि सब बातें जुड़ जाए हम क्लासिकल मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन पर फोकस कर रहे हैं क्लासिकल मेथड के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लक्साइ इज करते हैं कौन कौन सा एंगल है समझते चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुच्छे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कैलकुलेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए एरिया पता होना चाहिए और दोनों के बीच एंगल पता होना चाहिए किसके किसके बीच का एंगल तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर वेक्टर के बीच का एंगल एरिया कौन सा नया वेक्टर है किसी भी सिलेक्टेड सिलेक्टेड क्रॉस सेक्शन या किसी भी एरिया के ड्रॉ की गई जो लाइन होगी वो एरिया वेक्टर की लाइन होगी तो आपसे अब मैं फिर से पूछ रहा हूं बेटा कि फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिसाइड करने में किसका किसका महत्व तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच के एंगल

क्लियर है बेटा डन बेटा बस इतनी बातें आप आराम से नोट कर लीजिए अब चलते हैं बेटा थोड़ी सी चर्चा करेंगे एरिया वेक्टर जिसकी जब जरूरत है अगर हम उस हिसाब से उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कभी कभी डिस्कस करने में लोग एरिया वेक्टर पहले ही डिस्कस कर देते हैं राइट तो हम उस एरिया वेक्टर को अब डिस्कस करने जा रहे हैं जैसी इसकी वर्थ वैसे अब तक के लेक्चर को समराइज कर दे बच्चों सभी लोग एक बार फिर से कनेक्ट होकर सुन लो हम डिस्कशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल से जुड़ी हुई समस्त लाइनों की संख्या को जितनी लाइने का है कि चार्ज पार्टिकल हम बता दें आपको एक छोटी सी बात जब भी कभी आप फ्लक्स की इमेजिनेशन करें और ना सोच पाए तो आप बल्ब से निकलने वाली प्रकाश की किरणों लाइट रेस के बारे में सोचें आंखें हल्की सी बंद करने पर किसी लाइट सोर्स से जो लाइट रेस का इमिशन आपको दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही वर्चुअल इमेजिनेशन आप चार्ज पार्टिकल से निकलने वाले फ्लक्स के लिए भी कर सकते हैं राइट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं जैसी जरूरत वैसा फार्मूला यदि हमारा फोकस टोटल फ्लक्स पर होगा या चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड आसपास सारे फ्लक्स पर होगा तो हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और अगर मेरा फोकस किसी एक पर्टिकुलर पार्ट part से किसी छोटे हिस्से से या छोटे छोटे हिस्सों से गुजरने वाले फ्लक्स पर होगा तो हम क्लासिकल मेथड को फॉलो करेंगे दोनों के फार्मूले समझ लीजिए अगर हमें चार्ज का आइडिया है तो चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी से निकलने वाले टोटल फ्लक्स के लिए लगाएंगे गॉस थ्योरम एंड गॉस थ्योरम गोस्थेरम सिंपली अभी आगे सीखेंगे डिटेल में सिंपली गॉस थ्योरम इज इक्वल टू या गॉस थ्योरम से क्या मिलेगा तो गॉस थ्योरम से मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर टाइम्स ऑफ़ टोटल टोटल फ्लक्स सरफेस सरफेस अभी आगे मिलेगा और तो ये इंट्रोडक्शन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मिले हुए एरिया का आइडिया है तो भी फ्लक्स मिल सकता है तरीका ये तो आप चलते जाना बेटा पहला फोकस इस पर करेंगे हमें अच्छा बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अंदाजा हो और एरिया का अंदाजा तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करोगे आपने कहा सर क्लासिकल मेथड है ई ई ई बराबर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लाइनें उतनी घनी घनी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइनें दूर दूर होंगी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए एरिया है वो एरिया जिससे पास होने वाला फ्लक्स आपको निकालना है। एरिया छोटा फ्लक्स कम एरिया बड़ा फ्लक्स ज्यादा थीटा क्या है थीटा एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया नहीं बल्कि एरिया वेक्टर के बीच का एंगल एरिया वेक्टर क्या होता है किसी भी सरफेस के किसी भी सरफेस के किसी भी सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो वेक्टर होगा कि एरिया वेक्टर होगा चाहे परपेंडिकुलर अपवर्ड हो और चाहे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अप या डाउन डेवलप किया गया वेक्टर एरिया वेक्टर बोलो भाई इतनी बात ठीक है बेटा आगे बढ़े देख लीजिए खूब अच्छे से तो पूछू किसका किसका इंपॉर्टेंस आपको इंटेंसिटी का इम्पोर्टेंस एरिया वेक्टर का इम्पोर्ट है एंगल का है एंगल बच्चों हम बहुत बेसिक जा रहे हैं मुझे पता है आप बिल्कुल परेशान नहीं होगी थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सीखते रहोगे बेटा डन चलो नोट कर लीजिए हम पांच तक देने इसके बाद एरिया वेक्टर की डिटेल बताते हैं बेटा वन टू थ्री फोर एंड फाइव आ जाओ नेक्स्ट समझो अब चलते हैं जरा एरिया वेक्टर की बात है चौथी बात है एरिया वेक्टर डिटेल समझ लेते हैं थोड़ी सी एरिया एंड एरिया वेक्टर एरिया एंड एरिया वेक्टर एरिया मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन है एरिया केवल मैग्नीट्यूड पर बेस करता है छोटी छोटी आपको बातें याद दिला दे जैसे बात करें आपसे अगर हमारे पास कोई स्क्वायर शेप है इसकी साइड ए है राइट हमारे पास एक स्क्वायर स्क्वायर शेप शेप है इफ यू हैव एज तो इसके एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आप कहोगे ए बराबर स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है इसका एरिया क्या होगा बेटा आप कहोगे सर सर्कल का एरिया ए बराबर पाई आर स्क्वायर राइट पाई स्मॉल स्क्वायर स्क्वायर या कैपिटल जैसे भी लिखना चाहो पाई आर स्क्वायर हमसे कहते हैं हमारे पास एक थ्री डी स्पेयर है इसका सर्फेस एरिया कितना है टी एस ए टोटल सर्फेस बाहरी सर्फेस टच कर सकते हैं कहा सर इसका टोटल एरिया हो जाएगा पाई आपकी बात समझ पा रहे हैं तो एरिया अपने आप में एक मैग्नीट्यूड है जो शक्ल देखकर बता सकते हैं स्क्वायर है तो एक साइड का स्क्वायर सर्किल है तो पाई पाईआर स्क्वायर स्फीयर है तो फोर पाईआर स्क्वायर वेक्टर क्या है एरिया वेक्टर क्या है ये कौन सी नई बला है तो एरिया वेक्टर का मतलब एरिया वेक्टर का मतलब किसी भी सरफेस या किसी भी सिलेक्टेड एरिया इतनी जमीन आपकी है इतना एरिया आपका है किसी भी सिलेक्टेड एरिया किसी भी सिलेक्टेड एरिया के ठीक परपेंडिकुलर अप या परपेंडिकुलर डाउन किया गया एरिया या ऐसा कह सकते हैं किसी भी सिलेक्टेड एरिया के परपेंडिकुलर अप या परपेंडिकुलर डाउन ड्रा किया गया यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ये कहलाएगा एरिया रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर अर्थात एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। किसी भी सिलेक्टेड एरिया के ठीक परपेंडिकुलर पेंडिकुलर ड्रॉ किया गया अप या डाउन वेक्टर, ये कहलाएगा ऐसा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये कहलाएगा बेटा एरिया वेक्टर बेटा एक एग्जाम्पल सब क्लियर कर देंगे एरिया वेक्टर राइट कोई समस्या बेटा बातें नहीं करो आपस बेटा अब दो बातें आती हैं कि सर ओपन सरफेस होगी तो एरिया वेक्टर चाहे ऊपर बना लो और चाहे नीचे बना लो चाहे ऊपर चाहे नीचे लेकिन जो क्लोज सर्फेसेस होती है बेटा क्लोज सर्फेसेस का मतलब सपोज करो हमारे पास कोई स्पीयर है हमें दोनों एग्जाम्पल लिए ओपन सर्फेस एरिया वैक्टर बाहर भी हो सकता है अंदर भी ओपन सरफेस खुला सर्फेस ऐसे टच करो एरिया वेक्टर बाहर भी अंदर भी लेकिन ये क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा क्लोज सर्फेसेस इनका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड कैसा सरफेस के रेडियली आउटवर्ड समझाने के लिए हम एक्स्ट्रा सफेद गोला बना रहे हैं सरफेस के रेडियली आउटवर्ड सरफेस के रेडियली आउटवर्ड सरफेस के रेडियली आउटवर्ड सरफेस के रेडियली आउटवर्ड रेडियली का मतलब अगर इसे मिलाओगे तो सेंटर पे मिलेगा रेडियली मतलब मिलाओगे तो सेंटर पे मिलेगा मिलाओगे तो सेंटर पे मिलेगा मिलाओगे तो सेंटर मिलेगा मिलेगा सेंटर सो इट इज रेडियली आउटवर्ड मैं दे रहा हूं स्पष्ट रूप से रेडियली आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड ऑडियंस सारी बातें क्लियर है बच्चों सारी बातें क्लियर है एरिया कैसी क्वांटिटी दोनों मैग्नीट्यूड भी होगा वेक्टर भी होगा अक्सर जरूरत के हिसाब से जैसे प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया में जो एरिया लिया जाता है वो स्केलर तरीके से लिया जाता है समझ पा तो रहे तो स्केलर भी हो सकती है और वेक्टर भी हो सकती है दोनों अगर वेक्टर फॉर्म में डील करोगे तो एरिया का अपना एक मैग्नीट्यूड भी होगा एरिया की एक डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड तो शक्ल देख के डिसाइड करोगे और डायरेक्शन अगर ओपन सर्फेसेस है तो प्लेन के परपेंडिकुलर अप या डाउन प्लेन के परपेंडिकुलर अप या डाउन प्लेन के परपेंडिकुलर आउट या इन लेकिन अगर क्लोज सर्फेसेस हैं तो क्लोज सर्फेस में सरफेस का एरिया से स्फीयर है तो इसका सरफेस एरिया मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर ये लिखा है और एरिया वेक्टर कैसा होगा तो रेडियली आउट 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 क्लोज शेप में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउट 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 इनवर्ड नहीं होगा क्लियर है बेटा क्लियर है चले डन बेटा आगे बढ़ जाएं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं नोट कर लीजिए आगे बढ़ जाए जल्दी थम दिखा दो बेटा जल्दी थम दिखाओ सब लोगों को फिर से एक बार फिर से थम दिखाओ एक क्वेश्चन कैलकुलेट करें फिर इसके बाद बेटा बढ़ जाए कैलकुलेशन की तरफ मुझे बहुत धीमे चल रहे हैं आप क्या बात हो गई भाई क्या आप आज छुट्टी के माहौल में है क्या भाई जिसका जो दिल करे भाई थम थम फ्लैग फ्लैग चले नेक्स्ट बेटा अगली बात सुनो चलो पांच तक काउंटिंग कर दें कुछ अगर रह गया तो नोट कर लो वन टू थ्री फोर एंड फाइव नेक्स्ट देखो जरा फॉर एग्जांपल इसी आर्टिकल का एक एग्जांपल लेते हैं चौथे नंबर आर्टिकल का एक एग्जांपल देखिए चौथे नंबर आर्टिकल का आर्टिकल संख्या चार का एक एग्जाम्पल सिखाते देखिए कैसे सपोज करो ये हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है ये हमारा एक्स एक्सेस ये हमारा बेटा वाई एक्सेस और प्लेन ऑफ पेपर के बाहर ये हमारा जेड एक्सेस राइट हमसे सिंपली कहते बेटा हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर शेप है एक ऐसा रेक्टेंगुलर शेप इसकी लंबाई एल है एक्स एक्सेस के अलोंग और इसकी चौड़ाई बी है वाई एक्सेस के अलोंग तो इस सेलेक्टेड पोर्शन का एरिया वेक्टर फॉर्म में बताओ आपने कहा सर बहुत आसान एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पोर्शन का एरिया ए बराबर हो जाएगा एरिया निकालने का तरीका है दो कंजिटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट दो लगातार साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो पहली साइड है एल एक्स एक्सेस के अलॉन्ग तो इसमें लगा सकते हो यूनिट वेक्टर के नाम पर आई कैप और दूसरी साइड है बी जो है वाई एक्सेस के अलॉन्ग इसमें लगा सकते हो जे कैप तो बच्चों आप इस सिलेक्टेड एरिया को फाइंड आउट अगर करना चाहते तो आपने वेक्टर्स में शायद सीखा होगा किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बराबर कंजिक्यूटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट तो पहली साइड है एल आई कैप के अलॉन्ग तो बन जाएगा बेटा एल आई कैप क्रॉस दूसरी साइड है बेटा बी वाई एक्सेस के अलॉन्ग बी जे कैप मल्टीप्लिकेशन करो तो बन जाएगा बेटा एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर बराबर कांस्टेंट कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी का गुणा तो एल इनटू बी बन जाएगा डब्बे के अंदर आ जाएगा बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्लॉक वाइज साइकिल रूल से याद होगा शायद बेटा कि आई जे के अगर क्रॉस किया जाए तो आई क्रॉस जे बराबर आता है K cap, J cross K, बराबर आ जाएगा बेटा जे कैप सिक्वेंशियल साइकिल याद होगी बेटा आपको एक बार हम फिर से बना दें उम्मीद है बेटा आप सबको याद होगी कि आई कैप जे कैप और के कैप इन सब का अगर क्रॉस किया जाए तो आई क्रॉस जे बराबर के जे क्रॉस के बराबर आई और के क्रॉस आई बराबर जे कह पाता है हमारे लिए आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे का मतलब आई क्रॉस जे बराबर के कह पाएगा तो आंसर आ जाएगा एरिया वेक्टर इज इक्वल टू एल बी और आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे बराबर साइक्लिक क्लॉकवाइज़ ये आ जाएगा बेटा के कैप अब एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड हो जाएगा एलबी और डायरेक्शन हो जाएगी कैप मतलब जेड एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन हम चाहे तो इसे दिखा सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो Z की पॉजिटिव डायरेक्शन आई मीन होगी कहीं भी ले सकते हो एरिया के परपेंडिकुलर ये एरिया वैक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी इधर इधर किसके अला बेटा तो कोई पूछे किसके तो आप कहोगे अला के लॉन्ग ये एरिया के ठीक परपेंडिकुलर मतलब अगर इसी शेप को ऐसे पलटा के देखा जाए अगर तो इसी शेप को रोटेट कर दे तो शेप कुछ ऐसा हो जाएगा ये आपका स्क्वायर मतलब तो इसे अगर धक्का दे दिया जाए पट से गिर जाए तो जो फ्रंट रेड लाइन है वो ऊपर चली जाएगी ये हो जाएगा एल बी इसका मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगी के कैप इसकी डायरेक्शन ये एरिया वेक्टर अब मैं आपको दिखा दूं बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर सपोज करो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाईपास करते हुए गुजरे ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फिर इसे बाईपास करते हुए ऐसे गुजरे तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई का रोल होगा ए का रोल होगा हो और इस थीटा का इंपॉर्टेंस होगा बेटा ये थीटा ये किसके किसके बीच का थीटा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा है इसका इंपॉर्टेंस होगा Φe e cos θ देखो बच्चों क्लियर हाँ बेटा आज थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ है आज बेटा परेशान मत होना आज बिल्कुल बेसिक लेक्चर भी है बिल्कुल बेसिक लेक्चर है राइट तो आप इसे जितना सीख सकते हैं उतनी अच्छी बात है फिफ्टी मिनट्स आर नियरली डन विद इन टेन मिनट्स आर लीव द क्लास प्रॉमिस इतनी बात ठीक है अच्छे से रिवाइज करके आज की क्लास बाइंड अप करके हम छोड़ देंगे बेटा डन इतनी बात ठीक है बेटा इतनी बात डन हो गया देख लो बहुत अच्छे से मैं फिर से बता दू बेटा एरिया कोई पूछे कैसी क्वांटिटी आप कहोगे सर एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है एरिया का मैग्नीट्यूड इसकी शक्ल देखकर जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई तो इसका एरिया आ जाएगा एलबी डायरेक्शन क्या जाएगी? आ जाएगी डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस जे कैप का मतलब आपको शायद राइट हैंड स्क्रू रूल से भी याद हो कि पहले वेक्टर की साइड में अपना दाहिना हाथ रखो दाहिना हाथ पंजे के निशान की तरह बना लो ऐसे दाहिने हाथ का जो बॉटम हिस्सा है ये वाला पार्ट दिस वन ये जो आपकी तरफ दिखाई दे रहा है इस हिस्से को पहले वेक्टर की तरफ रखो और पहले वेक्टर की तरफ रखकर के मुट्ठी को बंद करने की कोशिश करो अंगूठा जो इशारा कर रहा है वो तीसरा वेक्टर है इफ इट इज आई सो आई क्रॉस जे आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के आंसर देख लो बच्चों ध्यान से राइट तो बच्चों एरिया में मैग्नीट्यूड देख लोगे और डायरेक्शन देख लोगे एक छोटी सी बात आपसे पूछते हैं देखिए जरा आंसर कर पाते हो उम्मीद है आप कर लोगे बेटा एक और क्वेश्चन पूछ रहा है तीन हम पहले काउंटिंग करते बेटा वन टू थ्री फोर एंड फाइव एक और एग्जांपल देखो जरा एक और एग्जांपल पूछ रहा हूं बेटा आंसर करिएगा जल्दबाजी मत कीजिएगा इफ इट इज एज यूजल एक्स एक्सेस इफ इज एज यूजल वाई एक्सेस

डन बेटा अब जरा सोचो अब जरा सोचो कोई सर्कल ये सर्कल और इसकी रेडियस बेटा आर है इसकी रेडियस आर है इसका एरिया बताओ वेक्टर फॉर्म में तो आपने कहा सर एरिया डायरेक्ट लिख सकते हैं कहा सर एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्यों आर रेडियस के सर्कल का जो एरिया है ये एरिया दिस वन दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर

चलो बेटा वेरी गुड हम्म पायर स्क्वायर के कैप ठीक है बेटा ठीक है बेटा ठीक है ऑल राइट बात समझ गया ना बेटा कोई समस्या पक्का पक्का इतनी बार अच्छे समझ लो अब एक छोटा सा कैलकुलेशन और करवा दें एक छोटा सा कैलकुलेशन और समझते चलिए दिखाते हैं Uh, जैसे फ्लक्स कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो एग्जाम्पल ऑफ फ्लक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको बता दें आपसे कहा जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट क्लक कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवेन एरिया कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गिवेन एरिया बहुत आराम समझना बेटा हम हाँ आपको दिखा दें कि <coughs> यह हमारा एक सेलेक्टेड एरिया राइट और लेटर सपोज ये थ्री मीटर इसकी लेंथ है फोर मीटर इसकी विथ है राइट right? समझते चलना बेटा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो इस प्लेन को ऐसे बाईपास करते जा रहे हैं। ऐसे बाईपास करते जा रहे हैं। किसी इंक्लाइनेशन पर ऐसे राइट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है कि ये बताओ कि से फ्लक्स कितना था पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो दी गई है टू टेन टू पावर ऑफ थ्री न्यूटन पर हर एक पास समझते चलो हमारे पास ये कोई कोई रीजन है हम पूरी फोटो बना रहे हैं एक्चुअली मान लो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जो टेढ़ी रखी है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकल रही हमने कहा उसके ठीक सामने एक प्लेट पड़ गई और इस प्लेट का जो डायमेंशन है वो थ्री बाई फोर है तीन लंबाई चार चौड़ाई कुछ भी मान लो और आपको बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी टू टेन टू पावर ऑफ थ्री न्यूटन पर कूलम हो राइट और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेन के साथ वो इस प्लेन के साथ ये जो प्लेन है एरिया वाला प्लेन है ना उस प्लेन के साथ मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये एंगल बना रहे हैं कितना बना रही मान लो तीस डिग्री बना रही तीस डिग्री एंगल बना रहे हैं

तीन चार। तीन बारा इन टर्म्स ऑफ़ अच्छा बच्चों इसमें आई कैप जे कैप के कैप की डायरेक्शन फिलहाल नहीं पड़ेगी वो तब पड़ेगी अगर यही ई e थीटा की जगह ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा होता तो ई e भी वेक्टर फॉर्म में होता और ए भी वेक्टर फॉर्म में होता राइट खैर हमको तो क्या क्या चाहिए आपसे कहा गया है फाइंड आउट फ्लक्स फ्लक्स सवाल समझिए क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इस गिवन येलो कलर के एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के गुच्छों की संख्या बताओ बंच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ आपने कहा सर बहुत आसान फाइव बराबर ई ए कॉस थीटा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो लिखी हुई है ए एरिया ये कैलकुलेट किया थीटा थीटा कौन सा लेते हैं आपने कहा सर थीटा थीटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेंगे एरिया वेक्टर कौन होता है तो आपने कहा सर किसी भी सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर जाने वाली जो लाइन होगी किसी भी गिवन गिवन सरफेस सरफेस के के ठीक परपेंडिकुलर लाइन ये बन जाएगी एरिया वेक्टर ये बन जाएगी एरिया वेक्टर तो हमें एंगल किसके किसके बीच का चाहिए एंगल चाहिए एरिया मतलब प्लेन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं चाहिए नो no. हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोचो बेटा सोचो मैं आपसे ऐसे कहूं कि अगर प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 30 डिग्री पर जा रही प्लेन के ये लाइन परपेंडिकुलर गई है आपने कहा सर प्लेन और प्लेन के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 90 उसमें से फील्ड और प्लेन के बीच का एंगल 30 तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बचा 60 डिग्री ये 60 डिग्री आ जाएगा अब मैं आपसे पूछूं बेटा

बारह और मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 के नाम पर हाफ आ जाएगा कॉस 60 चाहो तो लिख लो एक बार कॉस 60 कॉस 60 कितना बेटा हाफ हाफ रख दो हाफ कैलकुलेशन करो टू से टू खत्म सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू बारह इंटू टेन टू पावर ऑफ थ्री बारह इंटू टेन टू पावर ऑफ थ्री राइट यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर पर इतना बंच इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना गुच्छा यहां से बाईपास हो रहा होगा बारह हजार लाइनों का गुच्छा देख लीजिए बेटा राइट क्लियर है बेटा बच्चों किसी के मन में कोई डाउट किसी के मन में कोई डाउट एक छोटी सी बात और सिखा दें कि अगर हमें ई ए, ए थीटा अलग अलग मिल जाएंगे तो भी हम कैलकुलेशन कर लिया करेंगे और अगर वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा तो भी कैलकुलेशन कर लेंगे दिखा दें आपको एक सेकंड रुकिए बेटा बोलो भाई तक काउंटिंग बेटा वन टू थ्री फोर फाइव केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटा सवाल और बेटा एक आखिरी सवाल आखिरी एक आखिरी सवाल और देख लो केवल एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल, देखिए जरा मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा सहारा देता है एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप वाई एक्सेस डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लिए कैप और प्लेन ऑफ पेपर के बाहर डायरेक्शन के लिए कैप, right? समझते चलना। हमसे कहा गया अच्छा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दें, ऐसे, right? हमसे कहा गया कि एक एरिया है ऐसा ही। क्या उसको थोड़ा सा और थोड़ा स्पेसिफाई कर दें और स्पेसिफाई कर दें कि ये आपका एज यूजल वाई एक्सेस और ये आपका एज यूजल एक्स एक्सेस और ये आपका जेड एक्सेस राइट जेड एक्सेस मतलब जेड एक्सेस में ये आपका के कैप माइनस के कैप जो भी है अब समझो ध्यान से सपोज करो आपसे कह दिया जाए कि ये आपका एरिया है ये एक आपका सेलेक्टेड एरिया है

न्यूटन प्रति कूलम डायरेक्शन आई कैप है राइट और जो येलो कलर की लाइन ये येलो कलर का आपका स्क्वायर एरिया दिखाया गया है ये एरिया ये एरिया है ना ये एरिया सपोज करो स्क्वायर है और स्क्वायर में सपोज करो ये भी साइड चार मीटर है और ये वाली साइड भी चार मीटर ये एरिया है ये एरिया, एरिया, एरिया हमने का फ्लक्स बताओ अब मेरे बहुत आसान कैसे बहुत आसान आइए दिखाते हैं सबसे पहले आपने कहा सर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या, क्या क्या था बेसिक रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन के लिए है फाइव ई बराबर या तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाए और या तो हमें ई ए, ए थीटा मिल जाए एक ही बात है एक ही बात है बेटा मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया दोनों वेक्टर फॉर्म में है तो हम दोनों का डॉट कर लेंगे और अगर ई ए थीटा अलग अलग मिल जाएंगे तो ई ए थीटा कर लेंगे हमने कहा चलो पहला वाला तरीका लगाते हैं कोशिश करो जरा शायद वेक्टर फॉर्म असेंबल हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना डायरेक्शन आई कैप इलेक्ट्रिक तो फील्ड तो वेक्टर फॉर्म में हाँ है ही इलेक्ट्रिक फील्ड ओके वेक्टर फॉर्म में और क्या चाहिए एरिया चाहिए अच्छा एरिया में दो बातें एरिया में दो बातें एरिया में दो बातें एरिया का मैग्नीट्यूड मैं लिखे दे रहा हूं बेटा एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया की डायरेक्शन समझते चलना तो एरिया

y के प्लेन पर अगर कोई बॉडी रखी है तो z उसके परपेंडिकुलर होगा z z जो प्लेन ऑफ पेपर के बाहर है अच्छा इसी प्रकार अगर yz प्लेन है yz प्लेन का इस्तेमाल है तो x उसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे मतलब इस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस ऐसे डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाली डायरेक्शन आ जाएगी बेटा i कैप राइट right? तो एरिया स्क्वायर है तो स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 16 चार चौको 16 डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर और वाइजेट प्लेन के परपेंडिकुलर होगा है कोई बच्चा कह रहा है कि सर एक काम बताइए हम इसको पीछे भी ले सकते हैं श्योर श्योर ले ले सकते हैं। शोर ले सकते हैं हैं बस खाली हमसे ये स्पष्ट कर दिया जाए कि फ्लक्स इनकमिंग चाहिए कि फ्लक्स आउट चाहिए। फ्लक्स चाहिए जैसे इनकमिंग लोगे तो एरिया वेक्टर इधर दिखाओगे और फ्लक्स आउट गोइंग लोगे तो एरिया वेक्टर इधर दिखाओगे थोड़ा सा स्पष्टीकरण आगे सवालों में और मिल जाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या बैठा फिर मुद्दे पर फोकस करो आई कैप सोलह आई क्या खेल खत्म बेटा आओ और इस तरीके को फॉलो करते हैं तरीके को फॉलो करते हैं तो बेटा चलो फटाफट वैल्यू रखो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी टू इन टू टेन टू पावर ऑफ टू आई कैप डॉट ये हो गया पहला वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी टू टू पावर ऑफ टू आई कैप डॉट एरिया वेक्टर कितना एरिया वेक्टर सोलह आई कैप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर I. 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 याद करो सिमिलर का डॉट वन आई डॉट आई बराबर फॉर्म से भी आ गया बेटा बत्तीस इंटू टेन की पावर टू न्यूटन म्यूटर स्क्वायर प्रतिकूल बातों के रिवीजन के साथ बेटा कल हम लोग फिर से अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे आज थोड़ी सी तबीयत कम सही हाँ ठीक है बेटा सबका आंसर सही है वैसे राइट बेटा बत्तीस सौ बत्तीस सौ बत्तीस सौ अच्छा एक बात और समझ लो वेक्टर वेक्टर के वेक्टर वेक्टर के डॉट से जो आंसर आएगा वो वेक्टर रहेगा

तो कल एक बार फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके गॉस का तरीका मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे बेटा अगर आप चाहो तो फटाफट देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास निकलने वाली चार्ज बॉडी के आसपास निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का गुच्छा है, है तो गॉस का सहारा लेना, तो लेना पड़ेगा वैसे ही अगर पार्ट ऑफ फ्लक्स कैलकुलेशन करना है या टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो उसके दो अलग अलग तरीकों के फॉर्मुले हैं आज हम लोगों ने क्लासिकल मेथड पर डिटेल डिस्कशन किया है किसी भी हिस्से से गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में किन किन बातों का महत्व है बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का महत्व है कितने एरिया से निकाल रहा है उसका महत्व है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और एरिया के बीच क्या एंगल है थीटा क्या है उसका भी इंपॉर्टेंस है एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और प्लेन के परपेंडिकुलर अप या परपेंडिकुलर डायरेक्शन के नाम पर जो वेक्टर इस्तेमाल होगा उसका नाम एरिया वेक्टर पड़ जाएगा

कल मिलते हैं बेटा सेम टाइमिंग पर लेक्चर अच्छे से प्लान करके हम लोग रखेंगे और आप अच्छे से रिवीजन करके रखेंगे बेटा सो गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद कल बच्चों सारी बातें एक बार रिवाइज करा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे एक बार अच्छे से रिवाइज करके सब कुछ अच्छे से रिवाइज करके बेटा हां फ्लक्स की यूनिट बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति डन तो कल सब अच्छे से रिवाइज करके बेटा फिर इज कंटिन्यू होगा पूरे uh, के साथ जैसे होना चाहिए बेटा राइट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ स्पेशल कॉन्स्टेंट का डिस्कशन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनर वगैरह का डिस्कशन करेंगे